वाराणसी नामक एक शहर में था एक जवान लड़का देव, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी एक एकड़ की जमीन, जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए दो सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने ले गए। देव की मां ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाना ले गए। देव की माँ अब बेसहारा बन गई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीत गए और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे। देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने। गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माँ, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने पत्र लिखा और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना, पत्र या तोहफे आते थे, पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुंचाते। इसी तरह देव की माँ का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुंचाया। माँ का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि वह क्या करे, जब उसके बाजू में एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मन पसंद केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ते गए, जब एक पहरेदार ने बोला, हे, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने फिर जोर से पत्र को पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था, जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरे एक एकड़ की जमीन को खोद दिया और उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करे ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताजी मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अन्य बीज बोया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिए, जिससे उसने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया।
अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। एक बार विमलापुर नामक एक गांव में रहती थी एक महिला कमला अपने बेटे सूरज के साथ। कमला खेती का काम करती थी। वहां पर एक गाय ने एक बछेड़े को जन्म दिया तो कमला उसको देखना चाहती थी। बछेड़े को देखकर कमला खुश हो गई और उसको साथ घर ले जाना चाहती थी। जब कमला घर वापस आई तो सूरज छोटे बछेड़े को देखकर झूम उठा। प्यार से उसने बछेड़े के सिर पर हाथ रखा। मैया, क्या मैं इसके साथ हर रोज खेल सकता हूँ? हाँ बेटा, आज से हम इसको भी बुलाएंगे। हर रोज कमला भीम को खेत पे ले जाती उसको घास खिलाने के लिए। सूरज रोज स्कूल जाता था और वापस आकर जल्दी अपना होमवर्क खत्म करके भीम के साथ खेला करता था। कई साल बीत गए और सूरज अब बड़ा हो गया। वह खेत का ख्याल रखता था। भीम भी बड़ा और बलवान बैल बन गया और माता कमला बूढ़ी हो गई। सूरज ने विवाह कर लिया था और उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसकी माँ की तरह सारा घर गृहस्थी खुशी और प्यार से संभालती थी। सूरज की आमदनी कम थी तो वह कठोर परिश्रम करके अपने परिवार का ख्याल रखने की कोशिश करता था। भीम की मदद से वह हल चलाकर पैसे कमाया करता था। उसी गांव में थे दो भाई रिक्की और मिक्की। उनकी बुरी नजर हमेशा भीम पे ही रहा करती थी। हे, जरा देखो तो वो बैल कितना बलवान है। अगर हम उसको अपना बना ले तो खुद उससे हल चलाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर अगर हम भीम को लेंगे तो सूरज उसको अच्छे से पहचान लेगा। कोई बात नहीं, ये देखो इस कोयले के साथ हम भीम का रंग ही बदल सकते हैं। उस रात निक्की और मिक्की दोनों आए सूरज के गौशाला में भीम को लेने। भीम पर काले लकीरें बना दिए कोयला लेकर। भीम पूरा बदल चुका था। अगले दिन सूरज गौशाला आया भीम को खाना देने। जब उसको भीम नहीं मिला तो वह अपनी पत्नी से पूछने गया कि भीम गया कहाँ। जब उसने भी कहा कि उसको भी नहीं पता तो दोनों सड़क पर आ उतरे भीम को ढूंढते हुए। सूरज और उसकी पत्नी ने हर जगह ढूंढा और अंत में रिक्की और मिक्की के पास आ पहुंचे। क्या बात है भाई, आपकी सांसें क्यों फूल रही है? मुझे मेरा भाई भीम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, क्या तुमने उसको देखा है कहीं पे? रिक्की और मिक्की ने एक दूसरे की ओर देखा। भीम भाई? ओ हाँ हाँ, तुम जाओ और उसको ढूंढो। थोड़ी देर बाद जब सूरज घर वापस गया तो उसको वहाँ भीम मिल गया। देखिए जी, हमारा भीम घर वापस आ गया है। मुझे पता था कि भीम हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सूरज ने खुशी से भीम को कस के गले से लगाया। फिर उसने देखा कि भीम के पैर रस्सी से बांधे हुए थे। तब सूरज को समझ आया कि किसी ने भीम का अपहरण किया था। इसी दौरान रिक्की और मिक्की ने गांव की पंचायत और बुजुर्गों को जमा किया और भीम की बात छेड़ी। देखो क्या किया सूरज ने। ऐसा क्या हुआ कि बीच रात में तुमने हम सबको जमा किया है? सूरज ने हमारे बैल को चुराया है। देखो इसके पैर भी रस्सी से बांधे हुए हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो मिक्की? मैं अपने ही भीम को क्यों चुराऊंगा? तुम इसको अपना भीम क्यों बुला रहे हो? ये हमारा बैल है। देखिए, भीम मेरे साथ बचपन से रह रहा है, ये बात तो आप सब लोग भी जानते हो।
सुबह से वह गायब था और जब शाम को मैं घर आया तो मेरा भाई भीम वापस आ चुका था। पर पता नहीं क्यों रिकी और मिकी इसका मसला बना रहे हैं। झूठ झूठ, ये हमारा बैल है, हम इसको साबित कर सकते हैं। हमारे बैल के शरीर पर 11 काले लकीरें हैं, ये देखो। रिकी और मिकी ने गांव वालों को वो काले निशान दिखाए और गिनने लगे। जब सब ने देखा कि सच में उस पे 11 निशान हैं, तो सूरज झूठा साबित हो गया। नहीं, ये भीम है, मेरा भाई। मुझे नहीं पता इसको ये निशान कहाँ से आए हैं, पर ये मेरा भीम है, इसीलिए ये खुद मेरे घर वापस आ गया। सूरज ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। जैसे लोग वापस अपने घर जाने लगे, तब सूरज की पत्नी बैल को जांचने लगी। उसने निशानों पर हाथ रखा तो देखा कि वो रंग उसके हाथ पे भी आ गया। उसको सूंघा तो सूरज की पत्नी को पता चल गया कि वह केवल कोयले के निशान हैं। रुक जाइए सब, मैं साबित कर सकती हूँ असली चोर कौन है। सूरज की पत्नी ने पानी भरा मटका लाया और भीम के शरीर पर डाल दिया। इससे सारे काले निशान धुल गए और सबको पता चल गया था कि सच क्या है। रिक्की और मिक्की को सबके सामने सूरज से माफी मांगनी पड़ी और फिर चोरी के और गलत इंजाम लगाने के अपराध में दोनों को सजा भी दी गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि निस्वार्थता, विनम्रता और सच्चाई एक सम्मानित व्यक्ति के 3 निशान होते हैं। किसान का सपना। एक बार कालेश्वर नामक एक गांव में कृष्ण वीर प्रसाद नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र के नामकरण के दिन उसको हरि प्रसाद का नाम दिया गया। गांव के सारे संत, ज्योतिषी और धार्मिक साधु जो इस नामकरण के उत्सव पे आए थे, सबों ने ये बोला कि हरि प्रसाद बड़ा होकर अपने परिवार की संपत्ति को दिगुना कर देगा। कृष्णा और उसकी पत्नी इस वरदान को लेकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब बचपन से ही हरि प्रसाद ये सुनते आ रहा था कि उसके कारण परिवार की संपत्ति दिगुना हो जाएगी, तो वो बहुत अमीर बनने के सपने देखते देखते बड़ा हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह कई जमीनों का मालिक बनेगा और भोरी भोरी पैसे कमाएगा। हरि प्रसाद 21 साल का हो गया जब उसके पिता ने घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उस पर सौंप दी और उसका विवाह भी करवा दिया। काम की जिम्मेदारी लेने के बाद वह आलसी बन गया। फसल की देखरेख करने के बजाय वह खेत में आराम करता था दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए। इसी तरह दिन बीत गए और अंत में सब खराब हो गया। कृष्ण वीर प्रसाद ने ये देखा और अपने बेटे को बुलाया। हरि प्रसाद, मुझे लगा तुम उत्तम रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे और घर गृहस्थी अच्छे से संभालोगे। मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरा नाम रखोगे, पर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पिताजी, आप सब लोगों ने ही तो कहा था कि मेरे जन्म की वजह से इस परिवार की संपत्ति दिगुना हो जाएगी। मैंने ना आपका नाम खराब किया ना कुछ, मैं तो हर रोज समय पे खेत पे भी जाता हूँ। ओह मेरा भोला बेटा, अगर तुम दिल और दिमाग लगाकर काम करोगे तभी हमारी अच्छी फसल उगेगी ना। अगर तुम केवल खेत पर जाकर कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा कहाँ से आएगा। अगर तुम ऐसे ही करते गए तो हमारा पैसा, खाना, धन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो जागो और अपना कर्तव्य निभाओ। हरि प्रसाद को अपने पिताजी की बात समझ आ गई। मैंने इतने दिन बर्बाद किए, इतनी छोटी सी बात थी और मुझे समझ नहीं आया। बिना काम किए मैं परिवार की संपत्ति को दिगुना कैसे कर सकता हूँ। पिताजी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा विश्वास करिए। हरि प्रसाद ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और चला गया।
अपने वादे के अनुसार हरी अब रोज खेत पर जाकर काम को अच्छे से देखने लगा और सुनिश्चित किया कि मजदूर ठीक से काम कर रहे थे या नहीं। सबसे बेहतरीन फसल लाने के लिए हरी प्रसाद अलग अलग तरीके सोचने लगा खेती बाड़ी करने के लिए। उसकी पत्नी ने उसको कठोर परिश्रम करते देख उसके लिए भोजन ले जाने लगी खेत पर। फिर उसने अपने ससुर जी के सामने भी हरी प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। जब पिताजी ने भी ध्यान दिया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से खेती के लिए बेहतर मशीनों का प्रबंध किया। पर हरी प्रसाद अपने सपने के बारे में नहीं भूल पाया जो वो बचपन से देख रहा था। उसने देखा कि उसकी अच्छी खासी फसल निकलने लगी। उसको अनाज और बीज के 100-100 भोरियां निकलने लगे। परंतु हरी प्रसाद संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसका सपना और भी बड़ा था। वह अपने सपने को सच करना चाहता था परंतु वैसा हो ही नहीं रहा था। हालांकि बाकी के लोग तो बहुत खुश थे। हरी प्रसाद से बात करने गए पर वो खुश ही नहीं था। उसके पिताजी की प्रशंसा भी काफी नहीं थी उसका मन बदलने के लिए। हरी प्रसाद बेटा जरा देखो सब कितने खुश हैं। पर तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा सपना कुछ अलग था, इससे भी बड़ा। मैं खुश हूँ ही नहीं। हरी प्रसाद जितना भी हमारे पास है उससे हम सब खुश हैं। तुम कुछ ज्यादा ही प्राप्त करना चाह रहे हो। हमारी फसल बहुत अच्छी है अभी। अपनी उम्मीदें इतना भी मत बढ़ाओ, नहीं तो जो है उसको भी खो दोगे। परंतु हरी प्रसाद वैसा ही रहा। वह और धन कमाने की कोशिश करता गया और 10 गुन ज्यादा धनवान भी बन गया। सबको दिख रहा था कि हरी प्रसाद ने अपने सपने को पूरा किया था, पर इस बात का एहसास खुद हरी प्रसाद को ही नहीं था। अब क्योंकि वह अपनी कमाई से खुश नहीं था, वह अपने परिवार के साथ कभी भी समय बिता नहीं पाया और जीवन भर असंतुष्ट ही रहा। तिरुवनंतपुरम के शहर में था एक मेहनती किसान कुमार नामक। कठोर परिश्रम से उसने काफी पैसे कमाए। उसकी पत्नी का नाम था सुगना। कई सालों तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। बहुत पूजा पाठ के बाद भी उनको औलाद का वरदान नहीं मिला। कुमार की पत्नी इस बात से काफी परेशान थी। एक दिन मंदिर की पुजारिन उनसे मिलने गई थी। पुजारिन के आने पर कुमार और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। आप यहाँ किस वजह से आए हैं पुजारिन जी? मुझे पता चला कि आप दोनों बच्चा ना होने के कारण बहुत परेशानी में हो। पुजारिन जी की ऐसा बोलते ही सुगना को लगा कि शायद उनके पास कोई हल होगा, तो वह उत्सुकता से पूछने लगी कि वह क्या करे। जी हाँ, आपकी इस समस्या का हल ये चंदन का टुकड़ा है। 3 बार गंगा नदी में जाकर स्नान करें और अपने समस्या के बारे में सोचकर प्रार्थना करें। इससे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। परंतु ये रास्ता चुनने से आपको कोई ना कोई नुकसान भी होगा। अगर उस नुकसान को सह सकते हो तो तभी ये करना। दोनों ने सोचा कि एक बच्चे से बढ़कर और क्या है, और इसके लिए वे कोई भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने पुजारिन का दिया हुआ रास्ता को अपनाने का निर्णय ले लिया। सुगना फिर गंगा के तट पर गई और चंदन का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर प्रार्थना की। अपने मन में अपने बच्चे की चाहत के बारे में सोचकर 3 बार नदी में अपने आप को डुबोया। कुछ ही समय में सुगना ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। कुमार और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे और उनको सीता,
और गीता का नाम दिया। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से बिना भेदभाव किए बड़ा किया, परंतु आसपास के लोगों ने ऐसा नहीं किया। दो बहनें हमेशा साथ रहते थे, साथ खाते थे, सोते थे और दोनों के एक ही दोस्त थे। साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में कई साल बीत गए। जैसे दोनों बड़े होने लगे, गीता को ज्यादा महत्व मिलने लगा और सीता इस बात को देखने लगी। उसको धीरे धीरे लगने लगा जैसे बाकी के लोग उसको भाव नहीं देते थे। कपड़े चुनते समय भी सबसे पहले गीता चुनती थी और फिर सीता। गीता को तैयार होने में मदद मिलता था, पर सीता की परवाह कोई नहीं करता था। दिन पे दिन अब दोनों एक दूसरे के साथ कम समय बिताने लगे। गीता अब सीता से पहले भोजन करने लगी। उनके दोस्त भी अब बदल गए। सीता ज्यादातर अपना समय किताबें पढ़ने में बिताती थी और गीता नाच गाने में। इसी तरह दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। सीता को बुरा लगने लगा कि वह गीता के साथ समय नहीं बिता पा रही थी, तो वह गीता से यह बात पूछने गई। सीता की बातों का गलत मतलब निकालकर गीता ने उससे लड़ाई की। सुगना ने देखा कि उसकी बेटियां कैसे अब हर बात पर लड़ाई करने लगे और अपने पति से इस बारे में बात करना चाहा। कुमार ने दोनों को बुलाया और डांटा कि अब से वे अपने बर्ताव को बदले और लड़ाई किए बिना साथ साथ रहे। गीता को अपने पिता की डांट अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसकी कोई गलती थी ही नहीं और फिर सीता से बात भी करना बंद कर दिया। सीता लड़ाई को खत्म करने और फिर से दोस्ती करने गीता के पास गई, पर गीता ने नहीं माना और लड़ाई करने लगी। ये सब देखकर सुगुना और कुमार ने वापस उस पुजारिन की मदद लेने का निर्णय लिया। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि उस जादू से कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। पुजारिन दोनों लड़कियों से बात करने गई और उनके सामने नारियलों का एक भोरी रखा। पुजारिन ने पहले गीता को बोला भोरी खींचने के लिए। गीता ने भोरी को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश की, पर भोरी को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाई। अब थी सीता की बारी और वो भी असफल रही। फिर पुजारिन ने दोनों को भोरी खोलकर एक एक नारियल बाहर निकालने को कहा, तो सीता और गीता ने कुछ ही समय में सारे नारियलों को बाहर निकाल दिया। तो लड़कियों, इससे क्या समझ में आया? सीता और गीता को समझ नहीं आया और बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं समझाती हूँ, कोई भी परेशानी हो तो हमेशा एक साथ उसका सामना करना, फिर तुम उसको आसानी से पार कर पाओगे। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं कर पाओगे। तुम दोनों बहनें हो और जीवन भर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, केवल तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहन का महत्व। उसने सीता से माफी मांगी और फिर दोनों पहले जैसे साथ साथ रहने लगे। उनका रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया। सुगना और कुमार अपनी बेटियों को आपस में सुझाव करते देख बहुत खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे आवश्यक चीज परिवार होता है।